जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। टिकट मांगने पर भड़के बदमाश, बस स्टॉप पर 70 लाठी डंडों से किया हमला। सड़क हादसे में बाल बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। गुजरात के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, केमिकल से भरे 60 से ज्यादा टैंकर जलकर खाक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। टिकट मांगने पर भड़के बदमाश, बस स्टॉप पर पत्थर लाठी डंडों से किया हमला। बुलंदशहर में एक बस पर बदमाशों ने जमकर पत्थर बरसाए और लाठी डंडों से हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कहा जा रहा है कि बस के कंडक्टर ने टिकट मांगा, जिसके बाद बदमाश भड़क गए और बस पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। घटना जिले के खानपुर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के बाद पत्थरबाजी और लाठी डंडों से हमले के बाद बस को काफी नुकसान पहुंचा है और कई यात्रियों के भी घायल होने की सूचना है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग बस के आसपास भागते दिख रहे हैं और बस पर हमला करते दिख रहे हैं। बदमाश के हमले में बस के शीशे टूटने की सूचना है। टिकट को लेकर हुआ था विवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब कंडक्टर ने बस में चढ़े कुछ यात्रियों से टिकट कटाने को कहा। इसके बाद यात्रियों ने टिकट कटाने और किराया देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कंडक्टर और बस में यात्रियों के रूप में सवार बदमाशों के बीच बहस हो गई। धीरे धीरे नौबत मारपीट तक के आ गई। इसके बाद कंडक्टर ने बस से बदमाशों को उतार दिया। कहा जा रहा है कि बस से उतारे जाने के बाद बदमाशों ने पत्थरों और लाठी डंडों से बस को निशाना बनाया। इस दौरान ड्राइवर ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बस की रफ्तार बढ़ा दी और बस को लेकर नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने घायलों को पहले अस्पताल भिजवाया और बस पर हमला कराने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सड़क हादसे में बाल बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार मंगलवार को डिवाइडर से टकरा गई। वह हल्द्वानी से उधम सिंह नगर के काशीपुर जा रहे थे। उन्होंने एक पर साझा की गई पोस्ट में इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि टक्कर के बाद वह अस्पताल में थे और फिलहाल ठीक है। मामले की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जाने लगी। हादसा मामूली था और पूर्व सीएम को हल्की चोट आई है, चिंता की बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है और मुझे छुट्टी दे दी गई है। कुछ दोस्तों ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ सकती है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे सहकर्मी भी ठीक है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, केमिकल से भरे 60 से ज्यादा टैंकर जलकर खाक। गुजरात अरावली जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग में केमिकल से भरे 60 से ज्यादा टैंकर जलकर खाक हो गए। हालांकि आग कैसे लगी ये अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बुधवार तड़के अरावली जिले की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी नहीं मिली है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इस आग में केमिकल से भरे 60 से ज्यादा टैंकर खाक हो गए हैं। इस आग में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। आग का वीडियो आया सामने, आग लगने की घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें आग की लपटों को आसमान में उड़ते हुए देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है। आग की चपेट में एक टैंकर भी दिखाई दे रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया है। हल्का हल्का आग का धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी एस डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsd.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।